हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पास्ते की रेसिपी। ये डार्क पिंक पास्ता मैंने इसका नाम रखा है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी के साथ पास्ता बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। तो चलिए बनाते हैं पास्ता। बनाने के लिए मैंने ये वेजिटेबल्स को कट कर लिया है और पास्ता बॉईल कर लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये बीट रूट की चटनी है और शेजवान चटनी, और इसमें हमारा है चीज़ स्लाइस। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है ऑयल और उसके बाद हम ये वेजिटेबल्स, हमने शिमला मिर्च ली है और प्याज लिए है और गाजर ली है और ये हमने रेड चिली ली है जो कि मेरे पास फर्मेंटेड थी, और मैंने इसमें लिया है लहसुन कटा हुआ। इन सारी चीज़ों को हम ऑयल के अंदर डाल दिया है मैंने। इसे सॉटे करेंगे अभी अच्छे से। सॉटे इसे करते रहेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल देते हैं। ये अभी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर दोबारा इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने आपको गाइस बताया था इससे पहले की वीडियो में कि मैं आप लोगों से आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रही हूँ, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले हम अपने पास्ता बना लेते हैं। आज मुझे बहुत दिल कर रहा था पास्ता खाने का, तो इंस्टेंटली मैंने ये पास्ता बना लिया। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसमें डालेंगे हम सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा कम सॉल्ट खाती हूँ तो मैं कम ही इसमें डाल रही हूँ। तो ये सॉटे अच्छे से हो चुका है, इसमें हम डालेंगे शेजवान सॉस। उससे पहले हम डालेंगे ये बीट रूट की चटनी, जिसे मैंने बीट रूट को अच्छे से पील करके और इससे अच्छे से ग्रेट कर लिया था और उसकी इस तरीके से एक चटनी बना ली थी मैंने मिक्सर में। और बेसिकली ये मैंने कलर के लिए डाला है, तो हमारा जो ये कलर है ना, वो मुझे पिंक पिंक लाना था पास्ते के अंदर, तो मैंने इसलिए इसे ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं। इसमें अब हम डालने वाले हैं ये शेजवान चटनी। मुझे बहुत पसंद है शेजवान फ्राइड राइस, शेजवान सॉस के जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसे अच्छे से हम स्टर करते रहेंगे और जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा ये सारी वेजिटेबल्स, और फिर इसमें हम डालेंगे अपना पास्ता। आपके जो भी वेजिटेबल्स हो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा बॉयल पास्ता है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये मिक्स कर लिया है और हमारा कलर भी पिंक हो चुका है और डार्क पिंक हो गया है। इसमें मैंने थोड़ी सी शेजवान सॉस और ऐड की है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है इसे। और अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो मैंने इसमें चीज़ स्लाइस डालने के बाद में मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, जो हमारी चीज़ है थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा तो और भी टेस्टी लगेगा। तो देखिए, इंस्टेंटली हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो गया है और इसे अब मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा पास्ता, डार्क पिंक पास्ता हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार चटपटा भी बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बोला था, जो मैंने इससे पहले बनाई थी, कि आप लोग से मैं एक बात शेयर करने चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी YouTube फैमिली हो, मेरी लाइफ का हिस्सा हो, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मैं अभी आपको कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताऊँगी कि क्या डेट में मेरी शादी है, लेकिन हाँ, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और उसकी डेट भी मैं रिवील करूंगी आप लोगों से, सारी चीज़ें शेयर करूंगी, शॉपिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा बहुत बहुत ढेर सारी, कि अल्लाह ताला सब के सब मेरे हक़ में अच्छा करे, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे पता है आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि मेरे हस्बैंड कौन है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड का नाम क्या है, तो मैं आप लोग को सब बताऊंगी। आप लोग रिलैक्स रहना, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिवील करूंगी, ठीक है ना।